शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये मेरा नहीं, तुम्हारा आखिरी करवा चौथ है गहना। I promise you, गहना, अगले साल करवा चौथ के दिन मैं तुम्हारी बरसी मनाऊंगी। अगर हमारा बस चलता ना तो ये चांद को पहले ही ले आते। हमारे गहना को भूखा प्यासा नहीं देख सकते हम। हमें पानी पिलाकर हमारा व्रत नहीं छोड़ोगे तुम? हमने भी तुम्हारे हम इधर रख दीजिए। तुम्हें मोतीचूर के लड्डू पसंद है ना? गौरव, हम यहाँ हैं। तुम ठीक हो गहना? हम ठीक है गौरव, लेकिन ये गौरव, तुम ये गौरव, ये क्या तुम्हारे हाथ में खून? गौरव, ये खून तो बंद ही नहीं हो रहा है। गहना, कुछ नहीं हुआ हमें। एक मिनट, तुम यही रुको, हम अभी आते हैं। गहना, हम ठीक हैं। एक मिनट गौरव, बस गौरव, हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं गहना, चलो डॉक्टर से पहले हमें एक जरूरी काम है। अब क्या जरूरी काम है तुम्हें गौरव? गहना,
ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये आवाज कैसी आई? बॉम्ब के धमाके की, जो किसी ने गहना और हमें मारने के लिए लगाया था। कोई है जो हमें और गहना को खुश नहीं देखना चाहता है, पर अब बहुत हो गया है। पुलिस को फोन करना पड़ेगा। गौरव नहीं, गौरव रुक जाओ, ऐसे मत करो। गहना पहले चाकू अब बॉम्ब, पुलिस अपना काम करेगी गहना। गौरव नहीं, गौरव पापा की इज्जत के बारे में तो सोचो तुम ये। और तुम्हारे और अपने बारे में नहीं सोचे? गौरव रुक जाओ, तुम्हें हमारी कसम। अब पुलिस तो अपना काम नहीं करेगी, पर हम करेंगे। हमें किसी और पर भरोसा नहीं है, इसलिए गहना का गौना कल ही होगा। गौरव, और गौने की सारी तैयारियां हम खुद करेंगे। गहना इस शहर में गौने के लिए आई थी, इसलिए गहना का गौना कल ही होगा। आप सब लोगों के सामने है। लेकिन तुम दोनों की शादी? शादी तो हमारी पहले भी हो चुकी है, बस गौना बाकी था, जो आप सब लोगों के सामने कल होगा। रहा हवन कुंड और ये रहा सिंदूर। जो पहले हो चुका है कहना, उसे फिर से दोहराते हैं। सात फेरों की सात कसमें आज फिर से खाते हैं। चलो गहना। सखंड ज्योति की अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें हमेशा के लिए स्वीकार करते हैं। लो, हो गई हमारी शादी, अब कल गौना होगा। बेटी का गौना पिता के घर से होता है। गहना की टोली हमारे घर से उठेगी। अगर गहना की डोली यहां से उठी तो हमारी अर्थी भी उठेगी। हमारा पति हमारा नहीं रहा, हमारी बेटी का पति उसका नहीं रहा। बस हो गया तमाशा, बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये हमारा भी घर है और अब जो भी यहां होगा उसका फैसला हम करेंगे। इसके गौने का बहुत शौक है ना आपको, तो वहीं जाकर कीजिए जो
जहां इस रिश्ते की नींव रखी थी। यहां से इसका गौना नहीं होगा। सुधा, सुधा बस बहुत हो गया। पिताजी, हमारे लिए आप ये सब मत करें। आप अपने फैसलों को अपने परिवार पर मत थोपिए। पर तुम्हारा गौना? कोई बात नहीं पिताजी, हम किसी को दुखी करके अपनी खुशियां नहीं पाना चाहते। कहना बिटिया, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। ठीक है, तुम्हारा गौना मंदिर से होगा। और हम अपने हाथों से तुम्हारी डोली सजाएंगे। गौने का फैसला तो हो गया, अब एक अहम फैसला बाकी है। ये लीजिए, बंधन मुक्ति के कागज। हमारे डिवोर्स पेपर्स। हमने साइन कर दिए हैं, अब आप अपने साइन करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे और गहना के रिश्ते पर आपके रिश्ते की कोई परछाई भी पड़े। लीजिए पेन, करिए साइन। कोई सवाल नहीं, अब कोई रहम नहीं। गौरव, सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है, प्लीज गौरव। आज करवा चौथ का दिन है, कम से कम आज तो तुम्हारी पत्नी बन के रहने दो मुझे। आज के दिन मुझसे डिवोर्स मत मांगो, प्लीज। आई प्रॉमिस कि मैं साइन करूंगी, लेकिन आज नहीं, कल सुबह, बस कल सुबह तक का वक्त दे दो मुझे, जैसे भी थे। लेकिन जो दिन साथ गुजारे हैं, कम से कम उसका लिहाज तो कर लो तुम। प्लीज गौरव, गौरव मैं भी मांगती हूँ तुमसे, प्लीज गौरव मान जाओ। उर्वशी बेटा, उठो। मामा प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। जिन पैरों ने ठोकर मारी है, उन पैरों पर गिरकर मत गिड़गिड़ाओ। उठो। मां प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। बस आज के दिन गौरव, आज के दिन मुझे अपने आप से अलग मत करो ना, बस एक दिन और तुम्हारी पत्नी बने रहना चाहती हूँ मैं, प्लीज गौरव, गौरव मान जाओ, प्लीज मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, प्लीज। इतने पत्थर दिल के कैसे हो सकती हो तुम गौरव? उर्वशी ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए अपने आप को तुमसे दूर किया, और तुम उसकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी का एक दिन नहीं दे सकते। याद रखना गौरव, एक दिन एक घर को तोड़कर तुम अपना घर बसाने जा रहे हो। किसी को आंसू देके तुम खुशियां कैसे पाओगे? बेटी तो तुम्हारे पैर छू ही रही, तुम कहते हो तो उसकी माँ भी तुम्हारे पैर छूने को तैयार है। माँ,
बड़ी में इंसाफ नहीं। ये आप क्या कर रही हैं? एक बेबस माँ और क्या कर सकती है? अपने बच्ची के लिए एक दिन की खुशी की भीख ही मांग सकती है ना? गौरव, एक रात की तो बात है, मान जाओ ना। प्लीज गौरव, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। थैंक गॉड कि आज की रात मेरे पास है और इसका मैं पूरा पूरा फायदा उठाऊं। और तुम्हारा गौना गौना तो कभी नहीं होने दूंगी गहना। ये तो क्या कर रही है बेटा? मुंडन मम्मी। अब मेरा दूसरा पति भी मुझे छोड़कर जा रहा है और एक औरत बिना पति के मुंडन ही तो करती है। रुक जा। जाओ यहां से। तू पागल हो गई है। मैं ऐसा तुझे नहीं करने दूंगी। और कुछ करना है माँ तो वो भी बता दीजिए, वो कर लेती हूँ। खुद को संभाल बेटा, खुद को संभाल। क्या हुआ दीदी? ये सब माँ, ये सब क्या है? उठ। नहीं माँ, चल उठ। दीदी प्लीज। उठ, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए ना माँ। मन तो करता है कि इस दुनिया से उठ जाऊं मैं। और क्या करूंगी मैं ये रूप रंग लेकर? अब मेरे पास क्या बचा है बताइए? क्या बकवास कर रही है? क्या बचा है मतलब? हम है ना? नहीं माँ, जिसका पति नहीं उसका कुछ भी नहीं है। और ये जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगी? इस अकेली जिंदगी में क्या करूंगी? हे भगवान। उर्वशी, 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 उर्वशी बेटा। हे भगवान, हमारे परिवार को नजर लग गई है। हमारी बच्ची की हालत अब से देख ही नहीं जाती। माँ, उससे तो वो गहना और गौरव इस घर में नहीं देखे जाते अब। उन दोनों ने हमारे हमारे घर को बर्बाद कर दिया, हमारी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बर्बाद तो अब गौरव और गहना होंगे, इसमें से कोई एक रहेगा या फिर कोई भी नहीं। हे महादेव, आप तो सबके मन में बसते हो और सबके मन की बात को भी जानते हो। आप बस उर्वशी मेम साहब के दर्द को उन्हें भरने की शक्ति दीजिएगा और हमारे पिताजी और इस परिवार को ढेर सारी खुशियां दीजिएगा। हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मान मर्यादा को जो ज्यादा रोड़ के रखा था हमने, आज वो हम छोड़ रहे हैं। जाओ, जो हो सके करो। जी माँ। हमारी बेटी की खुशियों को वापस कर दो। गौरव, ये
क्या हुआ गौरव, तुम्हें दर्द हो रहा है? बहुत जोर से। लाओ हम देखते हैं। हिला मत। क्यों बताए? अरे हमने तुम्हें पलक दिया, हमें नहीं बताओगी? बुद्धू अगर हम बताएंगे ना तो जो मांगा है वो पूरा नहीं होगा। अरे सब पूरा हो जाएगा, बताओ ना हमें क्या मांगा। और ना बताए तो? ना बताए तो हम एक पांव पर खड़े होकर भोलेनाथ की तपस्या करेंगे, जल्दी बताओ। तुम्हारे उन्हीं भोलेनाथ से हमने तुम्हारा साथ मांगा है गौरव। सारे परिवार को तो मैंने गहना के खिलाफ कर ही दिया, तो अब मैं जैसा चाहूंगी बिल्कुल वैसा ही हूँ। ये खेल तो बस अब शुरू हुआ है गहना। मिलेगा ना साथ, बस कुछ देर की बात है, फिर तुम्हारा मांगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्या हुआ? सूर्य चुभने जैसा दर्द हुआ अचानक। देखे तो? नहीं कोई बात नहीं। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।